देखिए दोस्तों, तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ये दिख रहा है, बिल्कुल तेल अलग हो गया, फीस अलग हो गया, मसाला बिल्कुल भुन चुका है, अच्छे से मसाला बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे शुरुआत। तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आज हम एक मुर्गे का रेसिपी बनाने जा रहे हैं, मतलब मीट का। और अब आज हम गांव से बहुत दूर चल के आए हैं और ये है हमारा खेत पाल, जो मतलब अपनी खेत पाल में मतलब हम बनाएंगे आज एक मुर्गे का ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो आप लोगों को बना के दिखाएंगे कैसे बनाना है। और आप लोग सब लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़ के देखें कैसे बनाते हैं, आप लोगों को अभी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में हम थोड़ा देते हैं सरसों का तेल और आज हम देहाती हिसाब से चिकन बनाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमारा हो गया इतना तेल सरसों का। अब हम थोड़ा हो जाएगा, जब तेल हमारा थोड़ा पक जाएगा। देखिए दोस्तों, तेल हो चुका है, थोड़ा हम डालते हैं इसमें जीरा और थोड़ा जीरा डाल दिए और थोड़ा काली मिर्च डालेंगे और ये लौंग है, ये दालचीनी की लकड़ी है और थोड़ा इलायची है। अब इसको हम सब थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं इसमें। अब हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे दोस्तों। अब ये हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। अब हम प्याज को लगभग 5 मिनट फ्राई करेंगे, अब अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब सबसे बाद में हम डालते हैं लहसुन थोड़ा खड़ा, और इसको हम पीसते नहीं हैं, इसे खड़ा डालते हैं, क्योंकि खड़ा के स्वाद कुछ और है। और अब लहसुन और प्याज हमारा खूब अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे, जब पूरा लाल हो जाएगा तब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम मसाला पूरा फ्राई कर रहे हैं और हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। और आप लोगों को देखिए, हम जो बाहर आए हैं बनाने के लिए, आप सबको मतलब नज़ारा दिखाते हैं बाहर का। देखिए खेत में हम लोग मतलब आए हैं बना रहे हैं और ये हमारा धान लग रहा है, हरा भरा, कितना हरियाली दिख रहा है। और इधर भी देखिए कितना हरियाली है, और सब धान का हरियाली दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा नज़ारा देखने का मन करता होगा। और आप लोग भी देखते रहिए और हमको भी मज़ा आता है कि हम लोग जब बाहर जाके बनाते हैं तो अच्छा लगता है। और अभी बना के चैलेंज भी करवाएंगे, खवाएंगे दोस्तों को, और कितना अच्छा नज़ारा है। तो देखिए दोस्तों, हम प्याज को गलाने के लिए थोड़ा नमक डालते हैं, अभी थोड़ा डाल दिया मतलब, और अभी हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे बाद में, लेकिन तब तक इसको गलाने के लिए थोड़ा डाल रहे हैं, क्योंकि प्याज थोड़ा नमक पड़ जाता है तो जल्दी मतलब फ्राई हो जाता है। देखिए दोस्तों, प्याज थोड़ा लाल हो चुका है, अभी पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन लगभग हो चुका है, लगभग 1-2 मिनट और पकाएंगे इसको हम। खूब प्याज हमें जब पक जाएगा तब इसमें हम चिकन को फ्राई करेंगे, इसी में डालकर चिकन फ्राई करेंगे, फिर इसमें मसाला वसाला डालेंगे। ज़्यादा मसाला भी कुछ डालना नहीं है, मतलब नॉर्मल बनाना है, जैसे देहात में बनता है खाना, मतलब इसीलिए वैसे बनाना है हमको, क्योंकि ज़्यादा इसमें मसाला वसाला हम नहीं डाले हैं। और ये लगभग फ्राई हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग चिकन को सही से साफ तरीके से धुल लेंगे। देखिए ऐसे धुलना है 2-3 पानी से कि एकदम इसका खून खून हो जाता है, इसको निकाल के साफ तरीके से धुलना है एकदम। हाँ, कितने पानी से लगभग धुलना है? 2-3 पानी से कम धुलना है, एकदम क्लीन बनाना। ये देखिए हमारी करेजी है, हमारी नहीं है मतलब मुर्गे की करेजी है। देखिए दोस्तों, अब ये फ्राई हो चुका है, प्याज हमारा फ्राई हो गया है, थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें डाले हैं वो भी फ्राई हो गया है, लहसुन भी पक गया है। लगा है लंबाई? ये लगभग 5 से 6 मिनट लगता है इसको पकाने में। हाँ, 5 से 6 मिनट लगता है इसको पकाने में। और अब इसमें हम डालते हैं चिकन। देखिए दोस्तों, अब फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं चिकन, क्योंकि चिकन हमारा अच्छे से घुल के आ गया है। अब इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट चिकन भी फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई करने से थोड़ा टाइट हो जाता है, पीस थोड़ा टाइट हो जाएगा तो फूटेगा नहीं, तो खाने में थोड़ा मज़ा आएगा। 1 से 2 मिनट में ये हमारा फ्राई हो जाएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, आज हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि मसाला वसाला अभी तक डाले नहीं हैं और हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो जाएगा, फ्राई होने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे, भूजते हुए मसाला डालते रहेंगे, एक एक मसाला डालेंगे, क्योंकि जैसे हमको अच्छा लगता है, मैं कारीगर तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा मतलब बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं, और हमें उम्मीद है कि मैं अच्छा बनाऊँगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और जो इसमें आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब इसको हम बना रहे हैं, क्योंकि अपने हिसाब से जो हम बना रहे हैं, अगर इसमें कोई कमी आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी है, कमेंट मिलना चाहिए।
देखिए दोस्तों, अब हम डालते हैं थोड़ा हल्दी पाउडर क्योंकि इसमें थोड़ा कलर आ जाए। ये एक पैकेट हो गया, लगभग 10 ग्राम होता है इसमें, कितना होता है 10-5 ग्राम होता है, जो होता होगा। अब इसको डालते हैं, थोड़ा इससे कलर आ जाएगा और इसको भी हम फ्राई करेंगे। अब हम डाल रहे हैं थोड़ा मिर्चा पाउडर। ये मिर्चा पाउडर है क्योंकि ज़्यादा चलो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम थोड़ा डालते हैं। इसको भी पकाएंगे, 2 मिनट हो गया। अब इसको थोड़ा हम चला देते हैं, आगे तेज़ जल रहा है इसलिए थोड़ा पकड़ से पकड़ जल रहा है और ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगने लगा। आप लोग भी देख सकते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, क्योंकि आँच के पास बैठना भी कर रहा है। बाकी अपने ज़रूरत अनुसार आप मसाला इसमें डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं जो जितना चाहे, मतलब जो जैसे खाता है डाल सकता है। और यह हम थोड़ा स्वाद अनुसार हर चीज़ डालते हैं अपने हिसाब से, और अगर कोई बनाना भी चाहता है तो अपने हिसाब से डाल सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये पीसा धनिया, अब थोड़ा इसको हम डालेंगे क्योंकि तरी थोड़ा अच्छे से बन जाए। इतना डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से चला देंगे, इससे हमारा थोड़ा तरी जो है गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा खाने में मज़ा आएगा। इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम सारा मसाला डाल दिए हैं, अब इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे। जब पूरा तेल छूट जाएगा, मतलब तेल बाहर फीस बाहर, तभी अच्छा बनेगा। और इसको अच्छे से भून रहे हैं हम। ये लगभग हमारा मीट बन चुका है, लेकिन अभी थोड़ा हम भूजेंगे इसको, और भूजने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा सुरवा लगाएंगे क्योंकि चावल के साथ सुरवा ही अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने थोड़ा नमक डाला था प्याज गलने के लिए, और अब हम इच्छा अनुसार मतलब स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, और मतलब स्वाद अनुसार आप भी डाल सकते हैं। और अब हम हल्का से डाल दिए, अभी हमारा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा चलाएंगे, और अब थोड़ा नीचे से जलने भी लगा है। थोड़ा सा अमित भाई पानी डालिए, हो गया। अब इतना हम सुबह लगा दिए हैं, अब लगभग 2-4 मिनट, 4 मिनट लगभग इसको हम पकाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये चिकन तैयार हो गया है, बिल्कुल बन के तैयार हो गया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, और अच्छा हो गया, मतलब तैयार हो गया। अब इसको हम उतारने जा रहे हैं, इसको उतार देंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको हम उतार ले, चलो खत्म।